यह है कन्नौज के थतिया थाना क्षेत्र के गड़िया गांव में स्थित सैकड़ों साल पुराना गोदामई देवी का मंदिर। यहां 15 साल पहले महंत फक्कड़गिरी आए और जर्जर पड़े इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर के बगल में ही मंदिर के हिस्से की 55 बीघा जमीन है, जिस पर हुई खेती की कमाई से मंदिर के खर्चे पूरे होते हैं। इस जमीन पर गांव का ही एक दूसरा बाबा शारदानंद अपना हक जताता था। कई बार उसने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार महंत फक्कड़गिरी पुलिस और ग्रामीणों की मदद से उसकी कोशिश को नाकाम कर देते। इस बात को लेकर उसकी महंत से रंजिश हो गई। देर रात उसने अपने दो शिष्यों के साथ मंदिर में सो रहे फक्कड़गिरी पर हमला कर दिया और चिमटे से गोद कर उनकी हत्या कर दी। कन्नौज एसपी का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द ही वह पुलिस की गिरफ्त में होगा। उसमें लगभग 19-20 साल से एक पुजारी रहते थे, जो पास के ही बेहटा के रहने वाले थे। कल रात में जो है लगभग 7:30 बजे के आसपास जो है उनकी डेड बॉडी मिली है और मौके से एक चिमटा मिला है जिस पर ब्लड लगा हुआ है। उसे लग रहा है उसी चिमटे से जो है उनको प्रहार किया गया और उनकी मौत हो गई है। जो वहाँ पे एक प्रदीप नाम का युवक जो मिला है, उसने ये बताया है कि एक और महंत को लेकर के जो व्यक्ति था, बाबा था, वो वहाँ पे कब्जा करना चाहता था, वो गद्दी पाना चाहता था और वो थोड़ा सा कुछ दिनों से इस प्रयास में था। इसी बात को लेकर के जो है वो उसकी इनसे पुजारी जी से हॉट टॉक हुई और उसी में जो है सडन प्रोवोकेशन में उसने चिमटे से उनकी जो है वो हत्या कर दी, उसमें उनकी मौत हो गई है। उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और थाने की टीमें लगी हुई हैं, जल्दी अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।